मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना, बिल्कुल कलर ही एकदम से अलग हो रहा है। चलो पापा से बात हो रही है फाइनली। कैसे हो? थोड़ा नेटवर्क का इशू है वहाँ पर। नेट की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी है? नेट प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी नेट प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अब और बताओ, ठीक हो? अभी बारिश हो रही है ना तो उसके चक्कर में थोड़ा सा हो रहा है। मैं बढ़िया। मम्मी कहाँ है? देखना यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। यहाँ का मौसम देखो कैसा हो रखा है पूरा। हाँ आप बताओ क्या क्या बनाया था आज? हम बाहर से लेके आए खाना, क्योंकि आज हमने घर में बहुत सारा काम किया। आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बारिश की वजह से। हेलो, याद तो मैं रोज आती है, आपको याद नहीं आती है हमारी? अच्छा? हाँ आप अपने बच्चों को भूल गए हो। मम्मी कहाँ है? मम्मी से मम्मी कहाँ है? नमस्ते मम्मी। नमस्ते। क्या कर रही हो? नमस्ते। और बताओ? और बस क्या? नहीं, आकाश बोल रहा था नहाने के लिए, मैंने मना कर दिया कि बारिश हो रही है फालतू में, अभी तुम ठीक हो यो, कोई जरूरत नहीं है। हाँ अभी वो है, उस धूल के ऐसे बाल चिपक गए हैं। अंदर जो यहाँ पे आवाज क्या? हाँ धूल के बाल चिपक गए हैं। ये रे नमस्ते मम्मी। नमस्ते तुम्हारी याद आ रही है मम्मी को? ठीक हो? आ गया, हो गया सही। अभी अंदर आकाश बात कर रहा है मम्मी से पापा से, अभी मैंने बात कर ली दोनों से, तो बहुत ज़्यादा उनको वो हो रहा था, याद सी आ रही थी आकाश की भी, मतलब हमें भी आ रही थी। पापा को मैं, पापा और मैं हमारा बहुत मस्त चलता है, मस्ती करते रहते हैं, मतलब मैं पापा से बोल भी रही थी, तभी देखो यहाँ पीछे लगा पड़ा है बात करने के लिए। ये क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए स्टार वाला लेके आया हूँ, ये है चॉकलेट शेक। और ये मेरा है दिल वाला। ठीक है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ओ माय गॉड, इसकी क्वालिटी, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, थैंक यू, तेरी प्रेजेंटेशन मान गए। चीयर्स माय बॉय। पीओ तो बहुत टेस्टी है, ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। चॉकलेट ही है, कोल्ड कॉफी नहीं है। नॉइस। स्टार देखो अभी तक जिंदा है, ऐसे घुमा दो उसको, स्टार चला जाएगा। नहीं तो आज दिल अभी तक जिंदा है। जिंदा है दिल तो। सारी चॉकलेट खा जाऊंगा है। सही है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, खा लो, मैं भी अपना ही पी लेता हूँ, पर सीरियसली बहुत टेस्टी है। है ना, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, और अच्छा हुआ बारिश हो गई। और अभी जो यहाँ पर कीर्तन चल रहा था, अभी भी शायद इनका कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ तो खाना पीना या फिर कुछ तो है अभी चल रहा है। जो यहाँ ना एक मंदिर है पीछे की साइड हमारे, तो यहाँ से थोड़ा सही रहता है। बेचारे का इसका वो था यहाँ पर ओयो का लटका हुआ था, वो शायद वो उड़ी गया या फिर पता नहीं इसने हटा लिया है, पर मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। तो अभी हम ज़रा थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, कि जब भगवान जी ने इतना अच्छी तरीके से बारिश की है और इनविटेशन कार्ड दिया है कि अब आओ बेटा अब घूमो, क्योंकि मैंने कल परसों के मैंने आकाश बोला था कि यार फिर से बारिश हो जाए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो टेम्परेचर पहले से बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है, तो अच्छा है कि अभी जो बारिश शुरू हो गई है, तो फिर थोड़ा सा ये कि थोड़ा ठंडा रहा करेगा, और मैं तो कह रही हूँ उधर आकर दो तीन दिन बाद सही रहेगा, तो फिर वही भगवान जी ने कर दी, मैंने कहा था तो। तो बस अभी थोड़ा सा बाहर घूम के आता है, अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही ठंडा लग रहा है। अभी मैंने खाना पीना खा लिया है और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ,
तो अभी मैंने जो पहना है वो ये मैंने पहना है पैंट और ये वाइट टॉप है। मैंने हल्का सा नीचे से फोल्ड किया है जिससे कि एक बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। और मैंने ईयरिंग्स डाली हैं जो मैंने लाजपत नगर से लेके आई थी और द चीज कॉस्ट मी 50 रुपीज़। और मैंने उसके बाद फिर ये बहुत ही सुंदर सी चोटी बनाई है, मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ। सी तो ये मैंने चोटी बनाई है, यहाँ से मैंने ये बनाया है पहले बोले दोनों साइड से मैंने ब्रेक सी करके फिर मैंने चोटी करी है। उसके बाद तो मैंने ये जो बनाई है और कुछ सारी ऐसे फोल्ड जिससे मोटी लगे। तो ये मेरा लुक है आज का। तो अभी मैं जरा रील शूट कर लेती हूँ, फिर आकाश का टाइम हो जाएगा लेने के लिए तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं शूट कर लेती हूँ। बहुत तेज़ पसीने आ रहे हैं, सारी रील शूट होगी। 2-3 डांस की वीडियोज़ बनाई है मैंने, 2-3 लिपसिंग वाली बनाई है, तो बहुत सारी डांस की मतलब रील शूट हो गई हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी साड़ी ऐड करी है, पिंक कलर की साड़ी पहनी है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आता है इंडियन, क्योंकि इंडियन और वेस्टर्न आज मैंने दोनों शूट करी हैं। बहुत थक गई हूँ, बोला भी नहीं जा रहा है ढंग से। अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दिस इज़ द लुक जो कि मैंने क्रिएट करा है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इसके साथ वाइट कलर भी अच्छा जाएगा। मैंने ऐसी रैंडमली मैंने ये साड़ी उठाई और पहन ली और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और जैसे कि इसके साथ मैंने इयररिंग्स पहन रखे हैं, ये मुझे बहुत प्यार लगे क्योंकि जब से लाजपत नगर से मैं आई हूँ तब से मैंने पहने ही नहीं, अभी मैंने अभी पहना बिल्कुल। तो ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है, साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है इसके साथ में, है ना। तो या अभी मस्त मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे आकाश को लेके आना है। तो 2 मिनट रेस्ट कर लूँ फिर आके देखती हूँ, अगर मुझे मेरा मन करेगा तो बस ये साड़ी पहननी है जल्दी से, ये मैंने पहनी रखा है। ये वाली नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, वही चाहिए था राजभोग है ना, वो ये चाहिए येलो वाले और एक वाइट वाला, एक एक बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया ना, मीठा खाता और कुछ बस इतना बहुत है और क्या, एक एक ही लेता। सो अभी मैं आ चुकी हूँ आकाश को लेके और मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता नहीं कल बारिश हुई तो मुझे लगा ठंडा हो जाएगा लेकिन ठंडा भी नहीं हुआ है, बहुत ही गंदी वाली बारिश मतलब गर्मी हो रही है। तो मैंने आते चेंज करे इससे लाया, अब थोड़ी देर में आराम करूँगी। सुबह के 6 बजे से लेकर अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, काम हम क्या घर का काम, एडिटिंग करी, आज मैं 2-2 वीडियो एडिट करी, आज 2-2 वीडियो मतलब डल जाएंगी, आप पहले देख चुके हो इससे पहले, तो वो दोनों वीडियो एडिट करी मैंने। और आज आकाश का छोले भटूरे खाने का मन कर रहा था तो फिर आकाश अपने छोले भटूरे लेके आया है, उसके अलावा मेरा वहाँ जाते और मेरा वहाँ जाते ना कुछ मीठा खाने का मन कर गया, तो फिर मैंने वाइट रसगुल्ले हैं, उसके अलावा मैंने अपने लिए राजभोग लिया है और आकाश ने अपने लिए चमचम लिए हैं, 2 अलग अलग टाइप के चमचम है, वो एक पिंक कलर में है और एक कुछ क्रीम मलाई टाइप ऐसा करके कुछ है, तो क्रीम चीला ऐसे कुछ नाम है उसके साथ में, तो वो मिठाई लेके आए हैं। तो अभी बस थोड़ी देर में भी आराम करूंगी क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। और आकाश अभी वॉशरूम गया है, आके वो अपना खाएगा, वो अपना थोड़ी देर आराम करेगा, फिर वो शाम को अपनी वीडियो वगैरह शूट करेगा और मैं अभी थोड़ा सा मैं भी आराम करूंगी, उसके बाद मैं उसकी वीडियो शूट करवा दूंगी। फिर मैं सोचूंगी एक डांस की वीडियो बना लूंगी कुछ स्टेप वगैरह के जो बेसिक स्टेप्स होते हैं क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं कुछ संगीत वाला रिलेटेड कुछ डालूंगी बना के। चलो अभी मैं आराम कर लेती हूँ। अभी हम थोड़ी देर सो रहे थे और बहुत गंदी बारिश है, देखो अंदर तक भी पानी आ रहा है, बहुत गंदी है, मतलब आधी तो आधी पानी भी बहुत, मतलब बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ही तेज़। सही है ठंडा मौसम हो जाएगा, जब फिर से बोली थी गर्मी हो रही है, फिर से बारिश हो गई। अब मौसम बिल्कुल ठंडी ऐसा हो गया, मतलब सर्दियों में ऐसा होता है बिल्कुल ऐसा हो गया है, और बारिश इतनी तेज हुई है कि हमने यहाँ पर पैदल रख दिया था क्योंकि आज बारिश इस साइड से थी, कल बारिश इधर से उधर थी, तो आज जब बारिश इधर थी तो पानी अंदर आ रहा था और चक्कर में फिर मैंने ये रख दिया, पूरा का पूरा गीला हो चुका है। और बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा भी, बारिश अभी भी चल रही है, अब उस साइड से ऐसे बारिश हो रही है इधर से भी, अगर देख पा रहे हो तो देखो ये दिख रही है यहाँ से, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडा ठंडा। कल थोड़ा सा घूमने के लिए गए थे तो थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, फिर आज दोपहर में गर्म हो गया था, मुझे लग रहा था कि आज तो मतलब होगी फिर से गर्मी, और भगवान जी ने आज फिर सुन लिया और आज निकल ले तू बारिश ही ले, तो उन्होंने और बारिश करी और बारिश आज बहुत खतरनाक वाली हुई है, पूरी
पहले इस साइड से हुई, अब उधर से हो रही है, चली रही है बारिश काफी बहुत देर से, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। यहाँ पर एक आंटी खड़ी हुई है यहाँ पर एरी, और वो मुझे देखे जा रही है बार बार। अभी जरा हम छत पर आए हैं, क्या एसी से हवा हो रही है। हाँ सही में, ये इधर देखना बिल्कुल मनाली जैसा लग रहा। मेरी आंखें कमजोर है ना, हाँ। मेरी आंखें सही हो गई हैं। इधर देखना कल कैसे काला हो रहा था। तो वो रिवर देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ ये इधर सही लेके आ गया ना तुमको। ओ नूनी इतना इतना प्यारा फोटो खींचेगा ना, मैं बार फोटो खींचती हूँ अभी। मैं फोटो कराऊंगी यहाँ पर, बहुत खतरनाक फोटो आएगा। हाँ तो मैं भी चेंज करके आ गई, मान के थोड़ा सा अगर मैंने सोचा कि ऊपर अगर अच्छा मौसम हो रहा होगा तो मैं शूट भी कर लूँगी, अपना भी थोड़ा सा कुछ फोटो क्लिक कर लूँगी। तो बहुत ही सही मौसम हो रहा है, पीछे देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब लाइटिंग इतनी अच्छी आ रही है ना कि क्या बताऊँ। सबसे अच्छा व्यू वगैरह लगता है पीछे वाला जो है, और उधर एक साइड में उधर उसके उधर लगाते हैं तो उधर छोटे से क्या होता है। यहाँ पर थोड़े बच्चे अच्छे हैं तो वो अपना खेल रहे हैं, तो बड़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बड़ा अच्छा। बहुत ठंडी हवा चल रही है, तुम ये क्या कर रहे हो ऊपर? ओ नो नहीं पता, बहुत सही फोटो आएगा। ऊपर आ जाऊं मैं? ऊपर आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ हाँ मैं उतर जाऊंगा नीचे, बड़ा सही फोटो आएगा, ऐसे नहीं आएगा, लाइटिंग इधर से लेनी पड़ेगी। आता हूँ मैं। यहाँ हमारी इतनी सारी टंकियाँ हैं, ये अपनी वाली है, यही करा लो फोटो तुम। ये है इधर दोगे तो सही आ रहा है व्यू। अगर मैं यहाँ से उड़ जाऊँ नीचे, पंछी बन मस्त मस्त गगन में, ऐसे खोपड़ा खुल जाएगा फिर। चलो पकड़ो उसको, आराम से। मैं चढ़ाऊँ जब कभी, क्या कहते हैं, ऊपर चढ़ने वढ़ने का मन तो मैं ही करता था घर पे। आकाश कैसे बैठ गए, उधर एक पप्पी है उससे डर के, सही में डर लग रहा है तुम्हें? अरे नहीं गाय, आ जाओ, मुझे नहीं लग रहा यार तुम कैसी बात कर रहे हो, आ जाओ। भागना नहीं चाहिए था, गलत भागे थे आप। मैं नहीं भागना, मत एक जगह रहो, रिलैक्स। अरे मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो। मुझे तो कुत्तों से ना बोल, तब तो डर लग रहा है। नहीं होगा नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं करेगा, चलो। हाँ कल यही तो था, कीर्तन जो हो रहा था यही हो रहा था वो, पर मजा ही आ गया था, उन लोगों की आवाज में ही मजा आता। नहीं तुम कैसे डर के खड़े हो, कुछ इस लगता है मुझे तो, सिर्फ इस ब्रीड से डर लगता है, पग क्यों लेके अलग खोपड़ी को क्यों है, क्या सबको क्या लगता है, बहुत लगता है वाली। मुझे पहला पप्पी मुझे अच्छा लगा, वरना मुझे जनरली इतने अच्छे लगते नहीं वाले वो जो ब्रीड है, पर मुझे सही में ये अच्छा लगा, बड़ा क्यूट लगता है मुझे ये। जब भी मुझे देखा भागता है हमेशा। यार मुझे पता है लाइटिंग से बहुत अच्छी लग रही है, इतनी मेरे जगह फोटो खींच ली, बहुत सारे फोटो खींचे। डेडपोक डेडपोक क्यूट तो लगता है। अरे पता है वो पप्पी आया, वो यहाँ तक ही आया था, यहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी हुई थी, तो एक लड़की के पास तक आया, इतने देर में तो उसके पीछे पीछे वो भाग रहा है और लड़की को आगे भाग रही, तो आगे पीछे से चल रहा था ऊपर। आकाश खड़े ऊपर, डर लग रहा है उसे आकाश को। क्या हुआ तुम्हें? डर तो लगता ही है। पहली बार ऐसा मुझे डर नहीं लगा, मुझे जनरली मुझे भी डर लगता है, यहाँ पर दो बच्चे हैं, देखो कैसे खेल रहे हैं पानी में। हाँ ये देखो इधर, ये जो बैठा हुआ है ये बोट में बैठ गया है, ये अंदर अंदर पैदल घूम रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना। तो याद है जब हम छोटे से थे तो जो नाव कागज बना के पानी में डाल के घूमते थे ना, हाँ बहुत मजा आता उसमें, ये लोग कितना मजा आ रहा है ना। ये रास्ता मार रहा है, ये ईंट से देखो पैर रखने का रास्ता बन रहा है। क्या क्या करते बच्चों को, जरूरत होती किसी की भी, अपना अपना खेल लेता मस्त।
वो कुछ बोल रही है। हाँ। कितना सही हो रहा है तो। चले प्रिया को चैलेंज किया है कुश्ती लड़ने के लिए। अरे भैया अरे आ क्यों परेशान कर रहे हो? हिट मी गाइस मैं जीत गया। तो आज मैं नाश्ते में खा रही हूँ ये है ओट्स के, जिसके अंदर मैंने मटर डाली है, प्याज टमाटर वगैरह हैं, तो वो मैंने उसकी बनाई है। इसके अंदर मसाला इसका अलग आता है तो उसी मसाले से बनाई है, और थोड़ा सा मैंने मसाला ऐड किया था, थोड़ा सा चटपटा चाहिए था मुझे इसलिए। उसके अलावा ये मैंने चीला बनाया, ये चीला मैंने पहली बार ट्राई किया है। इसके अंदर बेसन भी है, सूजी है और दही है, और मैंने थोड़ी सी प्याज करके डाली है और मसाला डाला इसके अंदर, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसके अलावा ये हमारा चॉकलेट शेक, और हम बस अपना चॉकलेट शेक इंजॉय कर रहे हैं और अभी बस खाना खा रहे हैं। आकाश को मैंने ये दोनों पैक करके दिए हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिया है मैंने, थोड़ा सा बड़ा वाला बाउल, और ये मैंने तीन चीले दिए हैं, जिससे उसका पेट भर जाए आराम से और हेल्दी भी रहेगा। उसमें बहुत कम ऑयल है, मतलब बहुत ही नाम मात्र वाला ऑयल है दोनों के अंदर, तो ये खा सकते हो।